हेलो एवरीवन, आई एम कोमल शर्मा। वेलकम टू अवर चैनल स्टडी एमएलटी। आज के इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र के बारे में। हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम किस तरह से वर्क करता है और जब भी हम कुछ खाते हैं तो उसमें जो विटामिन्स, उसमें जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ पर कौन सी चीज एब्जॉर्ब होती है, इस वीडियो में आज हम अच्छे से जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं पार्ट्स ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम। जब भी हम खाना खाते हैं, जब भी हम खाने को मुंह में लेते हैं तो फिर हमारे माउथ से ही हमारा डाइजेशन स्टार्ट हो जाता है। उसके बाद हमारे ईसोफेगस में जाता है, जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं, इसको कहते हैं ईसोफेगस। फिर ईसोफेगस से ये जे शेप्ड ऑर्गन जो दिख रहा है ये होता है स्टमक हमारा। ईसोफेगस से फूड हमारे स्टमक में जाता है, फिर वो स्टमक से होते हुए हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन की तरफ जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन का नाम स्मॉल इंटेस्टाइन है लेकिन ये लेंथ में बड़ी होती है, ये सबसे बड़ी होती है। फिर स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद हमारा फूड लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है, यहाँ पर भी कुछ चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है और लास्ट में ये रेक्टम में चला जाता है। और यहाँ पर जो लिवर, गॉल ब्लैडर और पेंक्रियास हैं, ये तीनों चीज़ें कुछ एंजाइम सिक्रीट करती हैं, कुछ फ्लूइड सिक्रीट होते हैं इसके अंदर जो कि डाइजेशन में हेल्प करते हैं। तो आइए इस प्रोसेस को जानते हैं। सबसे पहले प्रोसेस ऑफ डाइजेशन पढ़ते हैं। इसमें सबसे पहले हम क्या करते हैं, खाना खाते हैं तो हमारा डाइजेशन जो होता है वो हमारे माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ को हम ओरल और बकल कैविटी भी कहते हैं। ये हमारे माउथ में कुछ सेलेवरी ग्लैंड्स होते हैं जो कि सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं और उसमें कुछ एंजाइम्स होते हैं। पहला एंजाइम है सेलेवरी अमाइलेज जो कि केमिकल ब्रेक डाउन कर देता है। जो भी हम कार्बोहाइड्रेट खाते हैं, खाने में प्रेजेंट होता है कार्बोहाइड्रेट, उसका जो पॉलीसेकेराइड फॉर्म होता है उसको वो छोटे फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है यानी कि मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट कर देता है। और उसमें कन्वर्ट होने की वजह से वो हमारे बॉडी में अंदर जाकर अच्छे से एब्जॉर्ब हो पाता है। तो सबसे पहले हमने फूड को इनटेक किया, वो हमारे माउथ से होता हुआ अब हमारे ईसोफेगस में जाएगा। फिर ईसोफेगस से फूड हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में जाने के बाद स्टमक में बहुत सारी चीज़ों का एब्जॉर्प्शन होता है। स्टमक जे शेप्ड ऑर्गन होता है जो कि HCl सिक्रीट करता है। HCl मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसके अंदर पेप्सिन एंजाइम भी सिक्रीट होता है जो कि हमारे डाइजेशन में हेल्प करता है और हमारी फूड को अच्छे से ब्रेक डाउन कर देता है। फूड का ब्रेक डाउन होने की वजह से उसमें जो भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सारा कुछ एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब आते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन पे। हमारा फूड ईसोफेगस से स्टमक में गया और फिर वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है। स्मॉल इंटेस्टाइन के तीन पार्ट होते हैं, ड्यूडेनम, जेजनम और इलियम। तो सबसे पहले फूड जो है ड्यूडेनम पार्ट में जाता है, फिर जेजनम में जाता है और फिर जाता है इलियम में। और हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन होता है वो लगभग 6 मीटर में होता है, उसकी लेंथ जो होती है वो 6 मीटर तक होती है। और हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन हमारे फूड में से प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन करता है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों का डाइजेशन में हेल्प करता है हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन। और अब ये फूड हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन के भी कुछ पार्ट्स होते हैं। ये कोलोन में डिवाइड होता है, ट्रांसवर्स कोलोन, असेंडिंग कोलोन और डिसेंडिंग कोलोन। हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में फूड के जाने के बाद इसका एब्जॉर्प्शन होता है। इसके अंदर जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट होते हैं उसका एब्जॉर्प्शन हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में होता है। इलेक्ट्रोलाइट्स में आते हैं सोडियम एंड क्लोराइड्स, और कुछ विटामिन्स भी होते हैं जो हमारे फूड में होते हैं, उनका एब्जॉर्प्शन भी हमारा लार्ज इंटेस्टाइन ही करता है। तो ये हमने देखा प्रोसेस किस तरह से हमारे फूड का डाइजेशन हो रहा था। अब आइए जानते हैं इसको डिटेल में। माउथ से हमने फूड इंटेक किया, फूड इंटेक करने के बाद माउथ में जो सलाइवरी ग्लैंड्स होते हैं वो सलाइवा प्रोड्यूस करते हैं। सलाइवे में कुछ एंजाइम्स होते हैं जो कि फूड को ब्रेक डाउन कर देते हैं। ब्रेक डाउन करने के बाद वो फूड पाइप यानी कि ईसोफेगस के द्वारा हमारे स्टमक में जाता है। स्टमक में HCl होता है और पेप्सिन नाम का एक एंजाइम होता है जो कि हमारे फूड को और भी छोटे छोटे पार्टिकल्स में ब्रेक डाउन करके उनका डाइजेशन में हेल्प करता है। फिर ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में जाता है जहाँ पर इसका प्रोटीन और फैट्स का डाइजेशन होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन से होता हुआ फिर ये लार्ज इंटेस्टाइन में चला जाता है जहाँ पे वाटर का एब्जॉर्प्शन भी होता है और कुछ विटामिन्स का भी एब्जॉर्प्शन होता है। यहाँ पे ये सारी चीज़ों के एब्जॉर्प्शन के बाद फूड फाइनली लार्ज इंटेस्टाइन से निकल कर रेक्टम में चला जाता है। तो ये पूरा प्रोसेस था हमारे फूड के डाइजेशन का, किस तरह से हमने खाना खाया
और वह हमारे बॉडी के किस ऑर्गन से होता हुआ कहाँ तक गया और इसका एब्जॉर्प्शन कहाँ कहाँ पर क्या क्या होता है। तो ऐसी ही जुड़ी और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।